सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मोटर बुल का एक और वीडियो। सो भाई वीडियो में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एसयूवी दिखाने वाला हूँ जिसकी वीडियोज़ मैं बहुत बार अपनी चैनल पे बना चुका हूँ ऑलरेडी। सो आज भी मैं इस गाड़ी को लेकर के आया हूँ। सामने से आप लोग पहचान गए कौन सी कार है, लेकिन कुछ भाई होते हैं जो नहीं पहचान पाते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूँ आज इस कार की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। बेसिकली गाड़ी की वीडियो नहीं, वेरिएंट की भी बात करेंगे। तो भाई ये जो कार है सुजुकी का लोगो लगा हुआ है, पहचान सकते हो भाई ग्रिल व्रिल सारी चीज़ें देख करके फ्रंट प्रोफाइल से। कार की वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार आप लोगों ने उस वीडियो को दिया था। बेसिकली ये कार अपनी है भाई ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी के लोगो से, अगर आप यहाँ से पहचान पाओगे तो सुजुकी का लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रैंड विटारा खड़ी है और आप लोगों का ये है बेस वेरियंट। तो भाई आप लोग कहोगे बेस वेरियंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गई है, दोबारा क्यों बना रहे हो? भाई एक चीज़ और है इस कार में, देखो ऐसी की जा जाती है जिसे कहते हैं रिमोट की। आप लोग देख सकते हो भाई कीलेस एंट्री है गाड़ी में। लेकिन देखो यार इसे मैं सबसे पहले क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। देखो कुछ लोग होते हैं जो बेस वेरिएंट लेकर के जाते हैं और फील लेते हैं पूरा टॉप वेरिएंट का। तो भाई ये गाड़ी अभी खड़ी है तानिया नेक्सा देहरादून में, आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, गाड़ी बुक करवा सकते हो, अपने घर लेके जा सकते हो। लेकिन देखो इस कार को दिखाने का जो मेन पर्पज़ है वो है भाई बेस वेरिएंट को कैसे आप थोड़ा बहुत मॉड करके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का फील ले सकते हो। वो सब कुछ मैं इस गाड़ी के साथ इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। अगर बात करते हैं इस कार की, तो आप लोगों को कुछ ऐसी रिमोट की देखने को मिल जाती है जिसमें आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये है लॉक का स्विच और यहाँ पर आपको मिलेगा अनलॉक का स्विच। दो बटन देखने को मिल जाते हैं लॉक अनलॉक। देखो ये जो की आप लोग देख पा रहे हो ये वही की है भाई मारुति टिपिकल जो बलिनो में भी आती है, ऐसी की आएगी अरीना कह लो या कह लो भाई नेक्सा, ऐसी की देखने को मिल जाती है। पीछे आप लोगों को क्रोम फिनिश में यहाँ सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। सो अगर बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, तो आप लोग देख पा रहे हो ये है भाई गाड़ी की कुछ इस तरीके की फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आप लोगों को क्रोम फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाती है, आगे आपको ग्रिल पे क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आप लोगों को ग्रिल देखने को मिल जाती है, सुजुकी का बड़ा सा लोगो। एंड इस तरफ अगर बात करते हैं अगेन क्रोम देखने को मिल जाता है, नंबर प्लेट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ग्रिल की अगर बात करते हो तो लिटरली पर्सनली बताऊंगा इसका जो डिज़ाइन है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में बेस से लेकर के टॉप तक ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी निकल के आती है। टोइंग हुक इस तरफ देखने को मिल जाता है, बॉडी कलर बम्पर है। इस तरफ अगर बात करते हैं तो DRLs देखने को मिल जाते हैं नेक्सा सिग्नेचर के साथ, जो 3 डॉट आप लोग देख पा रहे हो। इस तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। बाहर से एक तरीके से बात करते हो तो रफ ब्लैक फिनिश की बाउंड्री देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके बम्पर की, या एक तरीके से कहते हैं ना कि इसके जो बम्पर है वो आपको रफ फिनिश में देखने को मिलेगा, जो कि सिल्वर टोन इसमें दिया गया है। इस तरफ आप लोगों को रेडिएटर की ग्रिल देखने को मिल जाती है। अगेन फ्रंट से जो लुक्स है ना कार के, लिटरली लगती है कि एक रियल एसयूवी है। तो भाई देखो जब भी हम लोग अपने 13 से 14 या एक तरीके से कह सकते हैं ना कि आफ्टर 10 के बाद हम लोग 10 लाख के बाद पैसे खर्च करते हैं, तो हमें समझ में आता है भाई कि हमें एक रियल एसयूवी चाहिए। तो इस गाड़ी से आप पूरा पूरा फील ले सकते हो एक रियल एसयूवी का। थोड़ा सा यार यहाँ पे स्पेस कम है तो गाड़ी को मैं तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जितना भी है यार आप देख सकते हो मेरे चैनल पे पहले भी वीडियो बनी हुई है, उस पर आप लोग कम्प्लीटली कार के जो लुक्स हैं उसे ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, मेन मोटिव गाड़ी का वीडियो शूट करने का मेरा एक ही है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई इस कार में कुछ बेसिक एक्सेसरीज लगी हुई है जिसके बाद आप नहीं इस गाड़ी को जस्टिफाई करवा पाओगे कि ये बेस वेरिएंट है। आप लोग देख चुके होंगे यहाँ पे जो मैं अलॉय व्हील दिखा रहा हूँ, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ग्रैंड विटारा का जो कि उस तरफ खड़ा है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ब्लैक कलर में खड़ा है भाई, उस गाड़ी के अलॉय व्हील यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। बेसिकली ये जो अलॉय व्हील हैं ये आप लोगों को 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील हैं जो एक्सेसरीज का पार्ट है। अपोलो के टायर हैं, 17 इंच के टायर आपको बेस टू टॉप में देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। साइड से अगर बात करते हैं तो ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग ऑल्सो जा रही है। देखो ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग है, लेकिन यहाँ पे साइड मॉडलिंग भी आपको दिख रही है, अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है। इस तरफ आप ORVM देख सकते हो। एक और बेनिफिट बताता हूँ, ORVM बॉडी कलर के साथ साथ साइड टर्न इंडिकेटर भी लेकर के आता है भाई ORVM पे ही, बेस ब्रांड में भी आता है, टॉप में भी आता है। तो देखो यार इस कार का मेन पर्पज़ जो दिखाने का है ना वो ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम ग्रैंड विटारा के टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट को बाय करके आएंगे, परचेज करके आएंगे, बुक करा के आएंगे, उन भाइयों के लिए जो पैसे बचा सकते हैं उनके लिए लिटरली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है मारुति सुजुकी की ओर से। बिकॉज यार देखो हम लोग कहां से बताएंगे कि हम टॉप वेरिएंट चला रहे हैं। सबसे पहला फीचर है हमारी की, सबसे बड़ा यूएसपी जो गाड़ी का बनाता है। अगर बात करते हैं इसमें आप लोगों को दो तरीके के इंजन मिलते हैं, मैंने बार बार कहा है 1.5 लीटर 1.5 लीटर, सेम दोनों इंजन 1.5 लीटर के हैं, लेकिन
जो डिफरेंशिएशन है दोनों इंजनों में वो एक ही है। 1.5 लीटर फोर सिलेंडर आपको मिल जाता है स्मार्ट हाइब्रिड में, जो कि आप लोगों को इसके बेस वेरिएंट में यानी कि जो खड़ा है सिग्मा एंड डेल्टा में मिल जाता है। और अगर आप इस गाड़ी का जेटा परचेज करते हो तो वहाँ पे, और अल्फा भी परचेज करते हो अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में परचेज करते हो, तो आप लोगों को स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा और उसमें आप लोगों को 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलेगा। अगर थ्री सिलेंडर इंजन की बात करते हैं 1.5 लीटर का, जो कि दूसरा इंजन आता है, वो आप लोगों को मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में और सीवीटी ट्रांसमिशन में। ठीक है, अब बात करते हैं साइड लुक, आप लोगों ने देख ली साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी लगती है गाड़ी की। अगेन यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश दिख रहा है, ये भी अगेन एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पे रखा गया है। बिकॉज कीलेस एंट्री आ रही है तो यहाँ पे बोथ साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। हैंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। साइड से आप देख सकते हो भाई पिलर्स आप लोगों को जो कहते हैं रफ ब्लैक फिनिश का जो टोन है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने बनाए हुए है। इस तरफ अगर बात करते रेन वाइजर है, बेसिकली रेन वाइजर आपको क्रोम फिनिश के साथ एक्सेसरीज का पार्ट है, ये भी एक एक्सेसरीज इसमें ऐड ऑन हो चुकी है। अगर बात करते हैं इस तरफ मिररिंग की, तो एक मिरर, दो मिरर एंड थर्ड मिरर की अगर बात करता हूँ तो क्वार्टर ग्लास इसे कहते हैं बेसिकली, तो ये भी काफ़ी यूज है। कहते हैं ना कि SUV में बड़ा सा क्वार्टर ग्लास हो तो मज़ा आ जाता है, तो भाई ये भी आप लोगों के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है मारुति ने। अगर इस तरफ बात करते हैं अगेन यहाँ पे भी आप लोगों को जो है एक्सेसरीज का पार्ट दिख रहा होगा। सो अब आता हूँ मैं इस तरफ भाई टायर से, कहते हैं ना कि जब हम इसके टायर को एक बार देखते हैं और डायमंड कट अलॉय व्हील देखते हैं तो यहाँ से फील आ जाता है भाई ये गाड़ी टॉप वेरिएंट है। लेकिन अब मैं बैक प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ से आपको कार को दिखाता हूँ। नेक्सा की ब्रांडिंग है, डिफॉगर आ जाता है, वाइपर मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहिए भी नहीं, डिफॉगर आ रहा है गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े पैसे भी तो बहुत ज़्यादा कम आप लोग पे कर रहे हो यार। अगर मैं बात करता हूँ देहरादून तानिया नेक्सा की, 13 लाख रुपये ऑन रोड प्राइस के साथ प्रेजेंट टाइम पर आप गाड़ी को अपने घर लेकर के जा सकते हो। वेटिंग रहेगी गाड़ी में, वो भाई देखो डीलरशिप टू डीलरशिप वैरी करता है। कार अगर अवेलेबल होगी आपको तो मिल जाएगी, नहीं होगी भाई तो नहीं मिलेगी। आप आ सकते हो, गाड़ी बुक करवा सकते हो। यहाँ पर ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। अगेन अगर बात करते हैं टेल लाइट की, फुल्ली LED टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। एंड अगेन कनेक्टिंग भी ये फील करवाती है आपको, मैं चला करके जरूर दिखाने वाला हूँ। इस तरफ आप लोग इसकी डिगी पे जो है एक तरीके से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। कैमरा, हाँ अगेन बेस वेरियंट है तो कैमरा नहीं आएगा, लेकिन आप एड ऑन करा सकते हो मारुति से। यहाँ पे एक्सेसरीज में कैमरा लगाया गया है, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दो आप लोगों को दिख भी रहे होंगे इस तरफ और इस तरफ। एंड अगेन अगर इस तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। जो बैक लाइट है, बैक गियर लगाते ही आपकी बैक लाइट जलती है और पीछे का जो व्यू आप लोगों को क्लीनली दिखाता है या क्लियरली दिखाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइटिंग का जो सेटअप है लिटरली लगता है यार कि कहते हैं ना कि एक तरीके से स्मार्ट SUV वाला जो फील है वो आपको ज़रूर ये कराने वाली है। अगेन बात करते हैं इस तरफ भाई क्रोम की, तो क्रोम आप लोगों को जो दिख रहा है एक्सेसरीज का पार्ट है। अगेन अब मैं डिगी इसकी खोल के या ऑन करके दिखा देता हूँ आपके सामने। अभी की इसकी प्रेस नहीं हुई है, तो जैसे ही भाई इसे आप कार को अनलॉक करोगे तो यहाँ से आप इसका बटन दबाओगे। ऑल्सो इसमें भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है इस तरफ, तो भाई बोथ साइड यानी ड्राइवर एंड को ड्राइवर पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एंड इस तरफ भी आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगेन इस तरफ बता दो भाई कुछ सामान इसमें रखा गया है, एक्सेसरीज है बेसिकली है, और क्या एक्सेसरीज है बता देता हूँ। इसमें लगे हैं भाई अलॉय व्हील और उससे जो उतरी है रिम उसे रख दिया गया है इसमें, तो बेसिकली ये कस्टमर अपने घर लेकर के जाएगा। डिगी मैट एक्सेसरीज का पार्ट है। बेसिकली मैं अगर इसके बूट की बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्पेस के साथ आती है, आप लोग देख सकते हो। इसे मैं उठा नहीं सकता वरना मैं एक्स्ट्रा टायर भी इसमें दिखा देता। सेम 17 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। अगेन इसे बंद कर देते हैं और पीछे से भाई कुछ ऐसी लगती है अपनी ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरियंट। अब बताता हूँ भाई कि इस गाड़ी में आपको वो क्या चीज़ मिल जाती है जो इस कार को प्रीमियम लुक देता है, वह है भाई सार्कफिन एंटीना। आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर बॉडी कलर सार्कफिन एंटीना देखने को मिल जाता है। रूफ रेल अगेन कार में आपको देखने को नहीं मिलती है, ये भाई एक्सेसरीज का पार्ट है, लगाया गया है। तो जो भाई सोच रहे हैं कि गाड़ी के साथ मिलती है, ऐसा नहीं है, आप लोग इसे एक्सेसरीज के तौर पर अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हैं। साइड से अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी कलर के साथ साथ इस तरफ अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश आपको जरूर फील करवाएगी, अच्छी लग रही है। नो डाउट बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक इस कार को दे रही है। अब कहते हैं ना भाई हम लोग इस गाड़ी का जो सीधा कंपटीशन करते हैं ना वो हुंडई की क्रेटा से कर देते हैं और किया की सेल्टोस से कर देते हैं। देखो अगर बात फीचर की आ जाती है तो ऑफकोर्स आप कॉम्पिटिशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन कार के साइज और डायमेंशन को देख करके मुझे नहीं लगता कि ये हुंडई की क्रेटा से इसका कॉम्पिटिशन होना चाहिए या इसका किया की सेल्टोस से होना चाहिए। बिकॉज वो सब 4 मीटर कार्स हैं और ये 4 मीटर से भी लेंदी कार है, जो कि एक इसकी जो
कहते हैं ना एडवांटेज बन के सामने आ जाती है, ठीक है। और फ्रंट से मैं कार की लाइट्स ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी इसकी लाइट्स लगती है। तो भाई लाइट मैंने ऑन कर दी है और मैं फ्रंट प्रोफाइल में आ गया हूँ और आप लोगों को जरूर दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो भाई आप लोग यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, इस तरफ सिग्नेचर DRL दिख रहे हैं जो 3 डॉट है, और नीचे आते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिख रहा है जो कि आपका हेलोजन लाइटिंग के साथ है एंड हाई बीम लो बीम दोनों में वर्किंग रहता है। सो अगेन बात करता हूं मैं तो इस तरीके से गाड़ी दिखती है। अब मैं बैक प्रोफाइल भी इसकी दिखा देता हूं, मैंने कहा था लाइट के साथ आप लोगों को जरूर दिखाने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है, लाइटिंग के साथ कुछ ऐसी लगती है। और यार इसमें भी कनेक्टिंग जो एक तरीके से टेल लाइट है ना उसका आप लोग जरूर मजा ले सकते हो, देख सकते हो। तो भाई जब रोड पर ये गाड़ी निकलेगी वे और भाई ब्रेक लगाओगे तो देख सकते हो आप किस तरीके का फील आएगा, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। किन लोगों को ये गाड़ी पसंद आई है, किनको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी डील है। भाई 13 लाख रुपए में इतनी बड़ी SUV लेना बहुत बड़ी बात है, लिटरली 4 मीटर से भी बड़ी SUV मैं इसे कहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी मुझे एडवांटेज लगा कि इसमें आप लोगों को बेस वेरिएंट से ही डिफॉगर देना स्टार्ट कर दिया कंपनी ने, ठीक है। अब बात करते हैं बैक में जा करके, तो बैक सीट आप देख सकते हो ऐसा है। डोर की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लैक कलर हार्ड टच प्लास्टिक मटीरियल के साथ आता है, इस तरफ हार्ड टच है, यहाँ सॉफ्ट टच है, लेकिन आप लोगों को फैब्रिक यूज किया गया, लेदर यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस तरफ भी आप लोगों को रब ब्लैक फिनिश दिया गया है, पावर विंडो है जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है बेस वेरिएंट होने के बावजूद। इस तरफ अगर बात करते हैं तो भाई स्पीकर नहीं आते हैं गाड़ी में। अगर मैं बात करता हूं तो कार में आप लोगों को 2 स्पीकर इनबिल्ड मिलते हैं, आपको 2 और जोड़ने हैं और म्यूजिक सिस्टम इसमें लगाना है, ठीक है। इस तरफ अगर बात करते हैं तो नेक्सा लेदर जो होता है भाई, नेक्सा की एक्सेसरीज होती है, लेदर एक्सेसरीज इसमें आपको देखने को मिल जाती है। कलर टोन देख रहे हो आप, कलर टोन ठीक है, डोर से मैच करता हुआ कलर है, नेक्सा यार इसे बना रहा है जेन्युइनली, तो यार अपनी गाड़ियों के लिए कहीं से भी कमी नहीं छोड़ेगा। इस तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैटिंग देखने को मिलेगी जो अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है। बैक में अगर बात करता हूँ मैं इंटीरियर में, तो यहाँ पे भी आपको AC देखने को मिल जाता है, किसी भी प्रकार का चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो देखो यार वो छोटा मोटा जो कॉस्मेटिक चेंज है वही देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी इसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। अब मैं बात करता हूँ कार के अंदर जा करके, उससे पहले मैं डोर की बात करता हूँ, तो भाई कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। मैं थोड़ा सा इसकी लाइटिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बैटरी इसकी हो जाएगी खत्म। सो भाई अब बात करते हैं इस डोर की, ड्राइवर साइड डोर की अगर बात करता हूँ तो हैंडल क्रोम देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर बात करते हैं तो ग्लॉस फिनिश में आपको सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे भी आपको एक कलर देखने को मिल जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आपको एक कलर पसंद आया नहीं आया। इस तरफ बात करते हैं तो फैब्रिक जो है पूरा आपको देखने को मिलेगा, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक का आपको स्विच देखने को मिल जाता है, मिरर लॉक कर सकते हो। इस तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मिरर एडजस्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक स्विच देखने को मिल जाता है, मिरर फोल्ड एंड अनफोल्ड के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया गया है जो कि थम्सअप वाली बात है मारुति के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर कैपेसिटी या बॉटल होल्डर स्पेस दिया गया है। इस तरफ अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस दिया गया, थोड़ा स्पेस इस तरफ दिया गया, यूटिलिटी स्पेस डोर पर भी काफ़ी अच्छा दिया गया। अगर आप 1 लीटर की बॉटल कैरी करना चाहते हो तो डोर पे आराम से रख सकते हो, एक प्लस पॉइंट बनाता है इस SUV के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, यहाँ हैंडल देख पा रहे हो आप, इस पर आप लोगों को लेदर चढ़ा हुआ दिख रहा होगा, एक्सेसरीज का पार्ट है, कार के साथ नहीं आता है। मैं आप लोगों को बता दूँ बेसिक किट जो गाड़ी की होती है ना, ये जो आप पार्ट देख रहे हो इस पार्ट से भी बेसिक किट में देखो आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं। वो क्या है, रेन वाइजर मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को मड फ्लैप देखने को मिल जाते हैं, मैटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ये भी आपको बेसिक किट में देखने को मिलेगा। लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक किट में नहीं होती हैं, अगर मैं उसकी साइड बाई साइड बात करता हूँ तो वो क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, तो ये वाला जो क्रोम आपको ORVM पे देखने को मिल रहा है ये बेसिक किट में इंक्लूडेड नहीं होता है, एंड रूफ रेल भी बेसिक किट में आपकी नहीं आती है। अब देखो यार कुछ लोग होते हैं जिनकी डीलरशिप में अच्छी जान पहचान होती है, एक तरीके से कह सकता हूँ कि अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो लोग जरूर ले सकते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको देखने को जरूर मिलेगी, छूट गया था। अब बात करता हूं कौन से एक्सेसरीज है, कैमरा भी आपको बेसिक किट में देखने को नहीं मिलेगा, अलग से आपको परचेज करना पड़ जाता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कार की एक एक चीज आप लोगों के सामने मैं डिफाइन कर दूं। अब देखो यार जैसे ही गाड़ी में घुसते हैं ना, यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है आप उस स्टार्ट बटन जिसे हम कहते हैं, इसे देख करके ही फील आता है कि अब भी 13 लाख रुपए कहीं से भी लाए। मैं सोचता हूँ यार बलिनो को मैं अपनी बेच करके ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट परचेज करूँ, क्योंकि यार इस कार की ना एडवांटेज या कि पॉजिटिविटी इतनी है कि भाई आप कितना भी डिफाइन कर लो कम पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आकर के, तो भाई जैसे मैं सीट पे बैठता हूँ ना यहाँ पे, तो भाई रिलैक्सिंग फील होता है इस सीट पे बैठने के बाद, क्योंकि देखो बड़ी SUV है, पूरा का पूरा बोनट दिख रहा है, SUV वाली जो फील है ना पूरी की पूरी ये कार आपको कराने वाली है। लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ इस तरफ सीट पे आप लोगों को बेस वेरिएंट से ही आप हाइट एडजस्ट करने वाला जो फीचर है, रिक्लाइन तो आता ही लेकिन हाइट एडजस्ट करने वाला फीचर भी कार में दिया गया है। 3 पैडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो स्मार्ट हाइब्रिड भी होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी में नहीं आएगा। अब मैं कार के अंदर जा करके बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जैसे ही भाई मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते ही आपको फील आएगा कि भाई ये कहीं से भी बेस वेरिएंट नहीं है, बिकॉज मेरी बलिनो में सेम डिट्टो ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो लिटरली बहुत कूल लगता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेकर के चलता है। इस तरफ बात करता हूँ टैकोमीटर है, इस तरफ बात करता हूँ स्पीडोमीटर है, बीच में अगर मैं बात करता हूँ छोटी सी MID दी गई है और बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। यानी कि कहते हैं ना कि छोटी है लेकिन भाई, कहते हैं ना साइज में छोटी है ओनली, लेकिन इसमें जो फीचर्स है ना एक से एक भरे गए हैं भाई, जो कि एक तरीके से कहते हैं ना कि हिडन फीचर जिन्हें कहते हैं गाड़ी के, ठीक है, बहुत सारे फीचर हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इस कार में भाई आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दिखता है बेस वेरियंट में, लेकिन यहाँ पे लगा गया है 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में दिया गया है मारुति की ओर से, एक्सेसरीज का पार्ट, यानी कि आप अदर से इसे परचेज करोगे। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, मैंने गाड़ी को जैसे बंद किया, देखो कार बंद हो चुकी है। अब देखो क्या एडवांटेज है कंपनी से जेन्युइन एक्सेसरीज बाय करने के बाद, जो एडवांटेज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी पन्नी भी नहीं होती है, ब्रांड न्यू कार है, और ये ना भाई ये गाड़ी जो है ये वहां पे खड़ी है जहां पे डिलीवरी होती है बेसिकली गाड़ियों की, तो बहुत ज्यादा कूल लग रही है, और भाई बहुत ज्यादा लकी बंदा जो इस कार को अपने घर लेकर के जाएगा लिटरली, ठीक है, क्योंकि जो बंदा गाड़ियों से प्यार करता है ना वो डिलीवरी की फील जरूर सो, वो डिलीवरी नाम से ही उसकी फील लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पे आपको पूरा का पूरा 9 इंच का स्टीरियो दिया गया है, ऐसा नहीं भाई कि इसमें कंजूसी की गई। अब मैं इसे ऑन करने वाला हूं, ठीक है, जैसे मैंने ऑन किया अब इस तरफ आप लोग देखोगे, मैंने ऑन कर दिया, अब देखो भाई ये फील हर कोई नहीं ले पाता भाई, ये सुजुकी लिखा हुआ है ना जो, ये आपको कंपनी फिटेड एक्सेसरीज में ही देखने को मिलेगा। तो जब भी आप गाड़ी बाय करें तो मैं कहता हूँ यार 9 इंच का जो ये स्टीरियो है ना, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों इसमें इनबिल्ड हैं, तो आप कंपनी से यानी कि मारुति से ही इसे परचेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंदर का जो भाई एक तरीके से क्लाइमेट है, कह सकते हैं डैशबोर्ड फील है, वो थम्स अप वाला है, मुझे बहुत पसंद आया। हैजार्ड लाइट की जो प्लेसमेंट है या उसका बटन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को सिल्वर फिनिश दी गई है भाई, एसी वेंट पे जो लिट थोड़ा सा रफ फिनिश में है, इसमें आपको ग्लॉस नहीं दिया गया लेकिन लगती बहुत कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्सी लग रहा है। इस तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश दिया गया है सिल्वर के साथ, यहाँ जो कलर है भाई डोर पे भी कंटिन्यू किया गया है, तो मैं इसे ड्यूअल टोन कह सकता हूँ बेसिकली, एक तरीके से ड्यूअल टोन दिख गया है। हाँ, कमी मेरे को कहाँ नजर आई है बेस वेरिएंट का जो मुझे पूरा फील करवा रहा है, वो क्या है, वो है भाई अपना गियर नो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 400-500 रुपये में आप लोग इसे चेंज कर सकते हो, मारुति में भी आपको मिल जाएगा। इसे ऐसे खोला जाता है, उसके बाद इसकी जगह दूसरा यानी कि जो एक तरीके से ओम के साथ आता है ना वो वाला आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं इस तरफ, ये क्या चीज़ है यार, ये कुछ नई दिख गई है मेरे को, मैं लाइट खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मेरी नज़र जाती है तो यहाँ पे भाई मेरे को एक दिख रहा है डैश कैम, ठीक है, तो डैश कैम जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उसका यहाँ से पूरा कंट्रोल, यानी सॉकेट लगाया गया है 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट पे। और देखो इस गाड़ी में ना किसी भी तरीके का USB पोर्ट नहीं आता है, ठीक है, तो मारुति क्या करती है इस तरीके का USB पोर्ट आपको लगा करके देती है, जो कि मुझे लिटरली पसंद नहीं आया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, मुझे तो पसंद नहीं आया भाई, जिन भाइयों को पसंद आया वो ज़रूर लिखना इस बात को। अगेन अगर बात करते हैं, ये चीज लिटरली मुझे पसंद नहीं आई है, यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट बनाता है कार का। अगर बात करते हैं भाई इस तरफ, गियर नॉब है, लेदर लगा हुआ है, इस तरफ अगर बात करते हैं तो कलर आप लोग देख सकते हो, टोन जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है, इस तरफ अगर बात करते हैं दो दो का फोल्डर है, थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। बेस वेरिएंट में आमरेस कौन सी कंपनी दे रही है यार, यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। एक चीज़ बताऊँ, क्रेटा से एक बहुत से भाई होते हैं जो क्रेटा से इसका कंपैरिजन करते हैं, भाई क्रेटा को देख के आओ बेस वेरिएंट को एक बार, ठीक है, उसमें पता है एक फीचर आ गया है नया, मैं बताता हूँ क्या है। आप अगर की एक बार उसको लॉक करते हो उसके बाद अंदर की छोड़ देते हो तो भाई गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जो कि वर्थ इट नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो फीचर। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आमरेस देखने को मिल जाता है, अगेन आमरेस के साथ आप लोगों को कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। भाई ट्विटर नहीं आते हैं कार में, आप लोग कंपनी से भी इसमें ऐड ऑन करा सकते हो, या कोई भाई कहता है ना कि आफ्टर मार्केट काम कराना, तो वहां से भी भाई आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग करवा सकते हो। इस तरफ देख रहे हो भाई आप लोग, यहां पे आपको डैश कैम है, आज की डेट में ना डैश कैम गाड़ी में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। थम्सअप वाली फील दे रहा है भाई, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा, देख सकते हो अंकल जो है ना गार्ड अंकल बाहर खड़े हैं, इस तरफ पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, और पूरा जो माउंट हो रखा है ना लिटरली फील करवा रहा है, एयर बैग की बैजिंग है। इस तरफ बात करते हैं तो भाई वैनिटी लाइटिंग है, लेकिन आप लोग सॉरी यहां पे वैनिटी मिरर है, वैनिटी लाइटिंग आपको देखने को नहीं मिल जाती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता नहीं हूं यार ऊपर वाला वेरिएंट परचेज करो, 13 लाख में आप इतनी बड़ी SUV लेके जा रहे हो। अगर बात करते हैं भाई IRVM की, तो ये मैन्युअली आप लोग इसे कंट्रोल कर सकते हो या इसे एडजस्ट कर सकते हो। लाइटिंग इस तरफ देखने को मिल जाती है, माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट बनाता है कार का। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं, काफी स्पेस है ग्लव बॉक्स में, मैं कहता हूं डिसेंट स्पेस के साथ दिया गया है, थोड़ा स्पेस यहां पे भी दिया गया गाड़ी में। सो अगेन अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से फ्रंट से लग रही है भाई, चारों
हूँ पावर विंडो गाड़ी में आ रही है बेस वेरिएंट से ही, एक तरीके से कहते हैं प्लस पॉइंट की आप लोगों ने देख ली है। पीछे का मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बूट दिखा दिया, ग्रैब हैंडल देख सकते हो, लाइटिंग इस तरफ आप लोग देख सकते हो, हैलोजन लाइटिंग है जो आपको रीडिंग लाइट दी जाती है पूरी की पूरी हैलोजन में दी जाती है। मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ भाई हैलोजन लाइटिंग, ये देख सकते हो ठीक है। तो आप लोगों को जो लाइटिंग है वो हैलोजन दी गई है ठीक है। तो कुछ एक्सेसरीज लगाने के बाद आप लोग ज़रूर बताओ मेरे को भाई, अब मैं बाहर जाता हूँ गाड़ी से और आप लोगों से बात करता हूँ। अब मेरे को आप इन एक्सेसरीज के साथ इस कार को ज़रूर बताओ, क्या ये गाड़ी कहीं से भी बेस वेरिएंट वाला फील आप लोगों को करवा रही है? देखो यार, अगर फीचर चाहिए ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बात बड़े दिल से कह रहा हूँ भाई, अगर आप लोग फीचर के लिए गाड़ी खरीदते हो ना, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, फीचर देख के कार नहीं लेंदे ठीक है भाई, तो वो गाना जो है ना लिटरली इस गाड़ी पे शूट करता है कि अगर आप लोग फीचर देखते हो तो मर्सिडीज भी कम पड़ जाती है राइट। अगर भाई आप लोग फीचर नहीं देखते हो, गाड़ी में जो आप पैसा लगा रहे हो वो वर्थ इट आपको लगता है अगर आप इस तरीके से कार को लेते हो ना, तो भाई ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा को आंख बंद करके उठा लो, 13 लाख रुपए में 4 मीटर से भी बड़ी एसयूवी नहीं मिलती है भाई मार्केट में। अगर मिलती है भाई तो आप खरीद लो, ग्रैंड विटारा इज अ वन ऑफ द एसयूवी जिसे मैं कह सकता हूँ लिटरली इस गाड़ी से प्यार है। आई लव ग्रैंड विटारा, मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी भाई। जिन भाइयों को पसंद आई है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये रही ग्रैंड विटारा सिग्मा की विद एक्सेसरीज वीडियो, और भी एक्सेसरीज पे लग सकती है, आप चाहो भाई इस पे क्रोम कितना भी पुतवा लो, लेकिन वही कहते हैं ना कि अच्छी नहीं लगती है। ये बेसिकली जो गाड़ी जा रही है ना, जो इसकी डिलीवरी हो रही है, मेरा जानने वाला है भाई, मेरा कलीग है, वो इसकी डिलीवरी ले रहा है और उसने ना भाई कहीं कहीं पर चेंज किए हैं और काम की जो चीज़ें हैं ना वही परचेज की है। एक चीज़ जो छूट गई थी इस गाड़ी में मैं दिखा देता हूँ भाई, आप लोगों को जो बैक में कैमरा लगाया गया है ना कार में, वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, ये भाई बैक जो गियर है जैसे लगा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरा की प्लेसमेंट है और क्वालिटी वाइज बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो कंपनी फिटेड कैमरे है ना, होते हैं ना, इतने साफ नहीं होते सारी गाड़ियों के ठीक है। कुछ ब्रांड हो सकता है काम कर रहा हो, लेकिन मारुति में अगर इतना भी मिल रहा है आपको तो बहुत है यार। और देखो कैमरे की अगर प्राइस की बात करता हूँ, 7000 में आप इसे परचेज कर सकते हो आई थिंक, अगर मेरा मैं अपने प्रस्पेक्टिव से बताऊँ या मेरे को कुछ पता है जितनी नॉलेज है मेरे को बता दूँ। अगर इसकी बात करते हो 9 इंच का जो स्टीरियो है, 20000 में मारुति से आप इसे आराम से परचेज कर सकते हो विद ब्लैक जो इसका कवर देखने को मिल जाता है, एक तरीके से कहते हैं ना ये वाला जो आपको कवर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग ठीक है। यहाँ पे जो ग्लॉस फिनिश में देखने को मिल रहा है 1000 रुपए का, तो 19000 आपको स्टीरियो का प्राइस देखने को मिलेगा एंड 1000 का भाई एक तरीके से ये बाहर से इसमें फ्रेम लगाई गई है ठीक है। तो ये रही भाई ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है विद एक्सेसरीज ग्रैंड विटारा पसंद आती है, तो वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, कमेंट सेक्शन भर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहा हूं। बाहर आप लोग देख सकते हो रात बज रही है और टाइम की अगर भाई आप लोग बात करते हो तो आप लोग मेरी वॉच में जरूर देख सकते हो ठीक है भाई। 8 बजने वाले हैं भाई, 7 से ऊपर टाइम हो चुका और मैं अभी भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यार काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई कार खरीदो और अपने घर लेकर के जाओ ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।